चाची मैं आपको कब से देख रही हूँ, आप सबका काम कर रहे हो लेकिन आपका कोई ध्यान ही नहीं रखता। अरे बेटा देखो ना, कोई ध्यान ही नहीं रखता मेरा, कोई पूछता ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए। मुझे पता है, मैं आपका ध्यान रखूंगी। कैसे? ये जूस पिला के। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। चाची पीजिए ना। क्या हुआ चाची, अच्छा नहीं है? नहीं बहुत अच्छा है। तो फिर पीजिए। हाँ। बस हाँ चाची फिनिश करो, आपको बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। ठीक। मैंने आपको जूस दिया, अभी आप मुझे चॉकलेट दो। चॉकलेट अभी तो मेरे पास नहीं है बच्चे, मैं बाद में दे दूं? आप और चाचू तो सेम सेम हो, उन्होंने भी यही कहा कि वो बाद में देंगे। चाचू आपको चॉकलेट क्यों देने वाले थे? ताकि मैं आपको ये ना बताऊं कि ये जूस उन्होंने आपको पिलाने के लिए दिया। इन्होंने जूस क्यों भेजा? कहीं कुछ मिलाया तो नहीं था उसमें? प्रज्ञा जी आई। दादी आपने बुलाया? हाँ बेटा, इनसे तो मिली ही नहीं, ये अमृतसर से आए हैं। ये इतनी नॉर्मल क्यों है, असर क्यों नहीं हो रहा इस पे? एग्जैक्टली भाई, आपने ढंग से अल्कोहल मिलाई तो थी ना ड्रिंक में। अपने 4 पैक के बराबर उसका 1 पैक बनाया था मैंने। फिर कोई असर क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है कि ये पीती हो और हमें इस बारे में पता ना हो। आई मीन जब इसकी दादी पी सकती है तो फिर ये क्यों नहीं पीती होगी, वो भी देसी ठर्रा, इसलिए इंग्लिश वर्ड का पचा गई। भाई कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या करूँ, मुँह में एलएसडी डाल दूं? हे अभी, यार तुमने सबसे मिलवाया लेकिन अपनी वाइफ से नहीं। हमारे जाने से पहले मिलवा जरूर देना। या, श्योर। घोसला है, लेकिन सर पे घोसला क्यों है? सर पे घोसला नहीं होता है। इतने सारे लोग हैं, कहाँ हूँ मैं? मुझे मेले में लेकर आया कोई। Meet my wonderful wife Pragya. Hi, Mr. Khaitan. Hi. 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 That's his sister. Hi. Hi. नीचे का कहाँ है? नीचे का भूल गई क्या? लगता है वोडका का झटका लग गया। ये छोड़ो मुझे। अरे वो मेले में आई हो ना, नीचे का नहीं पहना, मेले में कैसे घूमोगी? Excuse me. अरे are you mad? तुम पार्टी को मेला कह रहे हो? You mad? तुम मेले को पार्टी बोल रही हो? एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, तुम मुझे डांट रही हो। मैं समझ गई, तुम चुड़ैल की तरह। कौन चुड़ैल? वही जो मक्खी की तरह इस घर में मंडराती रहती है। सुपर मॉडल तनु। तुम मुझे चुड़ैल कह रही हो? No, not you. नहीं, आपको नहीं ना, वो तनु। रखा था। तनु मैं ही हूँ। You're right। तो वाकई तनु, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर को भी डॉक्टर बोलना पड़ता है, टीचर को भी टीचर बोलना पड़ता है, रॉकस्टार को रॉकस्टार बोलते, मुझे चश्मिश को चश्मिश बोलते। तो चुड़ैल को भी चुड़ैल बोलना पड़ेगा, ऐसी भूल है। लेकिन मैं बात कर रही थी ना उधर, सिस्टर को बोलो नीचे का भूल गई, नीचे का नहीं पहना है सिस्टर। ये क्या मजाक है अभी? कोई घर पे गेस्ट को बुला के ऐसे इंसल्ट करता है क्या? ये मेरी वाइफ को सिस्टर बोल रही है। पर शादी से पहले तुम लोग कजिन्स ही थे ना। बट सॉरी, मुझे पता नहीं मेरी वाइफ को क्या हो गया है, शायद इसकी तबीयत खराब हो गई। किसका ऐसे इंसल्ट करता है? नहीं कर रही, मैं तो हेल्प कर रही हूँ। मतलब देखो ना कितने छोटे कपड़े पहने तुम। भाई लगता है भाभी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। She must be tired। मैं उन्हें कमरे में ले जाती हूँ। आइए। नहीं, मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। तुम अच्छे नहीं हो, तुम बुरी हो। Come on। नहीं नहीं बताओ, मैं नहीं जाऊँगी इसके साथ, ही बुरी है। भाभी आपने शराब पी है? नहीं, मैंने जूस पिया था, प्रॉमिस, मैंने जूस पिया था। मैं बच्ची हूं तो जूस और शराब के बीच में फर्क नहीं जानती? ऐसा कैसे कर सकती हैं आप भाभी? आज मेरी मेहंदी सेरेमनी है और अपनी फैमिली का न सही, एटलीस्ट दादी की इमेज के बारे में तो सोचना चाहिए था ना आपको। सबकी इंसल्ट कर रही हैं आप। आंटी जी देखिए अपनी बेटी, शराब पी हुई है इन्होंने। प्रज्ञा ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया। प्रज्ञा शराब पी ही नहीं सकती, जरूर उसने गलती से कुछ। आप ये कहना चाहती हैं आंटी कि उठाने तो जूस गई थी लेकिन उठा लिया शराब? हाँ हाँ। नहीं आंटी, जितनी शरीफ दिखती है ना उतनी है नहीं है। आज तो बस शराब पी है, न जाने और क्या क्या करती है। आंटी देखिए इन्होंने मेरी मेहंदी फंक्शन ही खराब कर दी। चुप कर आलिया, जो मुंह में आया बोलती जा रही हूँ। फंक्शन इसने नहीं किसी और ने खराब किया। किसने? तू तो चुप ही रह। मैं जानती हूँ ये किसने सब कुछ किया। तो तू बाज नहीं आएगा। दादी मैंने क्या किया? बन मत, मैं सब जानती हूँ। जिस वक्त तू जूस में शराब मिक्स कर रहा था ना, तो मैं सब देख रही थी। मैंने बहाना बनाकर प्रज्ञा को वो जूस पीने से मना कर दिया था, और इस वक्त ये हरकत तुम्ही ने की है, मैं जानती हूँ। अरे दादी हूँ मैं तेरी। नहीं दादी, अभी तो आपका पोता। हाँ तो कह दे। मैं झूठ बोल रही हूँ और सबके सामने मेरी बेइज्जती करते हैं, क्योंकि बेटा यही सुनना तो बाकी रह गया था। नहीं दादी, दादी आप कैसे झूठ बोल सकती हैं? अब जो कह रही है वो सही है, वो मैं, गलती हो गई मुझसे। तूने इसीलिए ये सब कुछ किया है ना कि प्रज्ञा तुझे बोरिंग लगती है, तेरे साथ खुल के बात नहीं करती, मजाक नहीं करती, इसीलिए ना। पर बेटा ये सब सबके सामने नहीं करते, अकेले में करते हैं। देख अब की बार तुझे माफ करती हूँ। अगली बार गलती की थी कि मैं सीधी लुधियाना। अरे दादी आप क्यों जाएंगी लुधियाना? हम आलिया को भेज देते ना, इसी बहाने पिंड भी घुमाएगी। सला जी बहन जी, अभी की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये शरारती जरूर है, लेकिन इसका इरादा प्रज्ञा की इंसल्ट करना कभी नहीं था। असल में प्रज्ञा ने कभी शराब पी ही नहीं, पर उसकी तबीयत खराब हो गई तो। ठीक है ना? प्रज्ञा सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ, कुछ ठीक नहीं है माँ, कुछ भी ठीक नहीं है। सब ऐसा नहीं होना था माँ। बेटा सब ठीक हो जाएगा, तेरी माँ सब ठीक कर देगी। कल सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। सुबह नहीं माँ, सब कुछ उल्टा पुल्टा है माँ। ऐसे नहीं होना था माँ, सुबह तक नहीं होना था। इसकी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हम लोग इसे घर ले जाते, कल सुबह मैं खुद इसे घर वापस पहुँचा दूंगी। कैसी बातें कर रही हो? आपका घर कितना दूर है, रास्ते में अगर इसकी तबीयत और खराब होगी तो इसे यही रहने दीजिए। आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक कर लेंगे। अभी है ना इसकी देखभाल करने के लिए। सो जाएगी रात को, सुबह फ्रेश होकर उठेगी, ठीक हो जाएगी। बेटा जी आप ना प्रज्ञा का अच्छे से ध्यान रखना। नहीं माँ आप मत जाओ, मुझे यहाँ अच्छा ही नहीं लगता माँ। प्लीज बोले माँ कुछ दी की तबीयत खराब हो रही है, उसको आराम की जरूरत है। और देर भी तो हो रही है, हमें रात हो गई तो जीजू को छोड़ने आना पड़ेगा और मैं जीजू को तकलीफ में नहीं देख सकती। आप प्लीज मेरी दी का ख्याल रखिएगा। हाँ हम लोग चलते हैं माँ, चलिए। मैं बहुत दी तो अपना ख्याल रखना। और आप ध्यान रखिएगा प्रज्ञा का। पीछे चलो। आप आराम कीजिए, ज्यादा रात नहीं हुई है, हम लोग निकल जाएंगे। नहीं समझी हैं आप हमारे, हम ऐसे कैसे आपको छोड़ देंगे। ड्राइवर आएगा, आपको घर तक छोड़ने जाएगा। आप परेशान ना हो बहन जी, आप तो बस हमारी प्रज्ञा का ध्यान रखें, हम लोगों को उसकी चिंता लगी रहेगी। अरे गुरु तू कहाँ चला गया था? दादी वो एक्चुअली चाचा और चाची जी को छोड़ने गया था। क्या वो कुछ काम था क्या? नहीं बेटा, ड्राइवर को देख रही थी, इन्हें घर तक छोड़ा था। दादी मैं हूं ना। तू कैसे जाएगा? दादी वैसे ही जैसे अभी जाता है। अब मेरे में और अभी में कोई फर्क है क्या दादी? ठीक है। नहीं रहने दीजिए ना, अब हम चले जाएंगे है ना माँ। हाँ हम लोग निकल चले। तो चुप रहे, ये हमें छोड़ देगा। वैसे भी मुझे इससे कुछ बातें करनी है अभी के बारे में, इससे ज्यादा उसके बारे में कौन जानता हो। बिल्कुल शौक से पूछिए। ठीक है दादी मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग पूर्वी आ जाओ। कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये। दादी के आते ही चुप हो गई, उससे पहले हमें कितना सुना रही थी। दारू पी हुई है ना, नशे में होने का फायदा उठा रही है। तो फायदा हम भी उठा लेते हैं ना, छत पे ले जाके उसे नीचे धक्का दे देते हैं। सबको यही लगेगा नशे में पाँव स्लिप हो गया। मेरे गेस्ट के सामने तुमने मेरी इंसल्ट की ना, अब तुम रूम में चलो, दिन के बदला लूंगा तुमसे। चलो मैं। अरे क्या हुआ, सब लोग इतने चुप क्यों हैं? लगता है कोई सीरियस फिल्म देख रहे हैं। वो नहीं बहन जी, अभी ने प्रज्ञा को थोड़ी सी शराब पिला दी है। ओ, इसका मतलब है हम कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं। बट ये सब लोग हंस क्यों नहीं रहे? चलिए मैं सबका अभी मूड चेंज करती हूँ, आइए। चलो कैसी बेटी तू? कुछ भी ठीक नहीं है दादी, कुछ भी ठीक नहीं है। इधर आ, बैठ। शाबाश, बैठ जा मेरा बच्चा। संभल के बेटा, सर घूम रहा है ना। सर घूम रहा है दादी, लेकिन और भी बहुत टेंशन है दादी। क्या टेंशन है पुत्र? वो डराती है दादी, बहुत बुरी है वो। कौन? वो डराती है तुझे? आपको नहीं पता उसने क्या किया। क्या किया? उसने तो सब कुछ किया। उसने ना शादी करनी थी, एक लड़की से शादी करनी थी, एक लड़के को उससे शादी नहीं करनी, तो प्रॉब्लम हो गई, तो उसने एक और लड़की की शादी एक और लड़के से करा दी। एक और लड़की को एक और लड़की से शादी नहीं करनी थी दादी, एक और लड़की को भी एक और लड़के से शादी नहीं करनी थी, लेकिन एक और लड़का एक और लड़की ने शादी कर ली, और एक और लड़की को बहुत टॉर्चर करते हैं रोज रोज। अच्छा, ऐसा क्या उसने? मैं अभी खबर लेती हूँ उसकी। नहीं, आप उसे बताना नहीं तो वो मुझे टॉर्चर करेगी। अरे बेटा, तुम्हें क्यों टॉर्चर करेगी वो? क्योंकि उसने मेरी शादी करा दी ना, शादी करा दी, अब अभिषेक से शादी करा दी। बेटा, ये तो उसने अच्छा ही किया ना। अगर वो तुझे परेशान करती है तो अभी तो परेशान नहीं करता ना तुझे। नहीं, वो भी परेशान करते हैं ना दादी, वो तो इससे भी बुरे हैं। क्या किया उसने तेरे साथ? आपको कुछ पता ही नहीं है ना दादी, क्योंकि आपके सामने तो सब ठीक ही रहता है ना। लेकिन दादी, बेडरूम में मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं वो, बहुत टॉर्चर करते हैं। और तो और आप सोचिए, भाग रात वाले भी वो मेरे साथ नहीं। जे नाना, बेडरूम की बातें ना बाहर नहीं करते। कल हम आराम से सब बातें करेंगे। नहीं, मुझे अभी बताना। अरे मुझे सब कुछ बताना दादी को। आप मेरी बात सुनो, सब आज आप सुन लो। देखो क्या हुआ, बताया ना, सुबह बात करेंगे ना। ओके। अभी जी दादी, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। इसे कमरे में ले जा और सुला दे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी इनके साथ। ये दादी के पास रुक गई तो पता नहीं क्या क्या बताएगी। इसे तो ले जाना ही पड़ेगा। तुम आइस पाई खेलना चाहती हो? पर यहाँ पर कैसे खेलेंगे? अब तो ये मेला भी खाली हो गया, सब चले गए। चलो कमरे में चलते हैं और हम दोनों आइस पाई खेलेंगे। हाँ? मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, तुम चलो तो सही। मेरे पास कमरे में बहुत सारी सीडीज, मतलब बुक्स है। मैं तुम्हें बुक्स पढ़कर सुनाऊंगा। नहीं, झूठ, आप बुक्स नहीं पढ़ते। हाँ, मैं नहीं पढ़ता, लेकिन पढ़कर सुना तो सकता हूँ ना मैं। प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। पक्का प्रॉमिस। चलो, और बुक्सी क्या, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तुम चलो तो सही। ओके, चलो। उठो, शाबाश, उठो। संभल के मेरा बच्चा, संभल के। शाबाश। अभी बहुत मासूम है ये। अगर इससे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मेरी खातिर इस पर गुस्सा ना होना। ठीक है दादी। न पाए यार, रहती ही जाए रास्ता, रह भी न पाए यार, सह भी न पाए यार, बहती ही जाए रास्ता। उम्र भर का इंतजार एक पल भी न खराब। पहन लो, पार्टी में बहुत सारे ग्लास टूटे थे, कहीं तुम्हारे पैर में ना लग जाए। रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना, रूठे तो खुदा भी रूठे, साथ छूटे ना। ओ अल्लाह